नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द मिजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं एसएसटी के कुछ पार्ट जो आगामी दिसंबर 2024 में पेपर होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि रीड द फॉलोइंग, संघनन के संदर्भ में बात कर रहा है कि संघनन के संदर्भ में क्या है। व्हाट इज कंडेंसेशन, संघनन किसे कहते हैं? संघनन किसे कहेंगे? व्हाट इज कंडेंसेशन, संघनन। देखिए, जब यहां पे भूमध्य रेखा है 0 डिग्री और 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, यहां पे सूरज की किरणें सीधे पड़ती हैं, तो यहां पे जो है क्या होती हैं, गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, चंबहनी हवाएं कहते हैं। जब यहां पे ठंडा होकर जाती हैं और बादल बन जाता है, इसी ठंडा होने की क्रिया को, ठंडा होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। ठंडा होने की क्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं। तो संघनन क्या है कि गर्म हवाएं जब ऊपर की ओर उठती हैं और वहां ठंडी होती हैं, बादल बनते हैं, संघनन की क्रिया कहलाती है। तो हम लोग समझ गए संघनन क्या है। अब इसके बारे में देखिए क्या कह रहा है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदों के रूप में बनना, सही बात है, अभी बताए थे। जब जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर नहीं सके, तब वे वर्षण के रूप में, वर्षण माने वर्षा, वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। यह भी बात सही है, यह भी बात सही है। जेट प्लेन फ्लाइंग, ठीक है ना, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे पदति चिन्ह छोड़ते हैं, क्योंकि इंजनों से निकली हुई नमी संघनित हो जाती है। ये तीनों वाक्य आपको सही है अपनी अपनी जगह। जब जेट वायुयान उड़ते हैं तो अपने पीछे जो धुआं छोड़ते हैं वो संघनित होकर के का एक पथ के रूप में दिखाई पड़ती है, वो भी कंडेंसेशन है, संघनन है। और दो संघनन ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ए, बी और सी, तीनों ऑप्शन सही होंगे। ये आपको ऑप्शन मिलेगा ए, बी और सी। इसका ऑप्शन फोर्थ मिला, ए, बी और सी। आइए इसके बारे में कुछ हम लोग कंसेप्ट भी देखते हैं कि इसके बारे में कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। गैस से द्रव अवस्था के बनने की परिघटना को हम संघनन कहते हैं। अभी बताए कि गर्म हवाएं जब ऊपर की ओर उठती हैं, ठंडा होती हैं तो जल के रूप में आती हैं, इसे संघनन कहते हैं। संघनन तब होता है, तब होता है जब उष्णांक हिमांक बिंदु से कम हो जाता है, ज्यादा, ठीक है, कम या ज्यादा रहता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदे बनाती है, यह प्रक्रिया वाष्पन के विपरीत होता है। वाष्पन में क्या होता है कि पानी यहां भाप बन के उड़ता है, फिर वहां संघनन होता है, फिर बादल बनता है, इस तरह की क्रिया होती है। यह जल चक्र के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। वर्षा भी एक प्रकार का संघनन ही है। आकाश में उड़ता हुआ एक जेट हवाई जहाज अपने पीछे पदचिन्ह छोड़ता है, क्योंकि इंजनों से निकली हुई नमी संघनित होती है, नगी नहीं है, नमी, नमी संघनित होती है। तो ये आप इसके बारे में कुछ फैक्ट जान गए। अगला सवाल फिर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, तिब्बती एंटीलोप। तिब्बती क्या होगा, ये इंडिया है, इंडिया के भारत में, इधर लेह लद्दाख है, लेह लद्दाख है, और इसी के बगल में क्या है, तिब्बत है। इस समय यह चीन का पार्ट है। तो वहां पर तिब्बती एंटीलोप शिकार उसके ऊन सातुश के लिए किया जाता। यह एक जानवर है जिससे ऊन मिलता है, ठीक है, और उसका उपयोग कर रहा है। पहला दिया है यह वजन में हल्का होता है, ठीक है, ऊन, यह बात सही है। यह अत्यधिक गर्म होता है, यह भी बात सही है। यह जानवर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है, यह जानवर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है, यह बात गलत, बहुत अधिक संख्या में नहीं पाया जाता है, कम ही मात्रा में पाया जाता है। तो सी वाला पार्ट गलत है,
इसका ए और बी सही होगा। ए और बी का मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बारे में भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तिब्बती एल्टीलोप का शिकार उसके ऊन शहतूत के लिए किया जाता है क्योंकि यह वजन में हल्का होता है तथा यह अत्यधिक गर्म भी होता है। यह पूर्वोत्तर तिब्बती पठार में पाया जाता है। उनका शिकार उनके बेहद गर्म, नरम तथा हल्के के लिए किया जाता है। आमतौर पर मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। शहतूत साल पारंपरिक रूप से भारत में शादी के तोहफे के रूप में दिए जाते हैं तथा एक साल बनाने के लिए 3 से 5 तिब्बती एंटीलोप का प्रयोग किया जाता है। एक साल बनाने, एक साल पूछ देगा एक साल के फार्मेशन के लिए कितना होगा, 3 से 4 तिब्बती जो है आपको एंटीलोप की जरूरत पड़ती है। इससे रिलेटेड जो है फैक्ट आपके सामने आ गए। नीचे दिए गए कथन ए बी पर विचार करिए। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, जिसे जल्दी से रिन्यू कर लेते हैं। रिन्यू मतलब फिर से उत्पन्न कर लेते हैं, इसे रिन्यू कहते हैं। जिसे फिर से उत्पन्न रिन्यू कहते हैं, यह असीमित होता है, ठीक है, और इन पर मानवीय क्रियाकलापों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, देखिए नवीकरणीय संसाधन में आपकी सोलर एनर्जी आती है, सौर ऊर्जा आता है, पवन ऊर्जा आता है, ये सब नवीकरणीय एनर्जी में, और यह असीमित है, ये भी बात सही है, लेकिन इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात गलत है। इस पे मानवीय क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। और रिन्यूएबल एनर्जी जो कह रहा है अनवीकरण संसाधन, तुलना में नवीकरण संसाधन कि जल्दी पुनः उत्पादित हो जाता है, ये बात सही है। अनवी, ये तो बात गलत है। अनवीकरण ऊर्जा वो ऊर्जा होते हैं जिसे एक बार समाप्त होने पर दोबारा उत्पन्न करने में हजारों साल लग जाते हैं, इसे अनवीकरण कहते हैं। जैसे कोयला और पेट्रोल, कोयला और पेट्रोल कैसा है, अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय में आपको सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा आता है, तो अनवीकरणीय की अपेक्षा नवीकरणीय जो है जल्दी से उत्पन्न हो जाता है, ये बात आपका सही है। तो आपका बी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन गलत है। तो बी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन गलत है। ए देखिए गलत है और बी सही है। इसका ऑप्शन आपको डी मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में भी हम लोग कुछ फैक्ट जान लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन में वे संसाधन हैं जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फिर पुनः स्थापित किया जा सकता है तथा पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इन्हें नव्य संसाधन भी कहते हैं। नव्य माने नया। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा संसाधन के उदाहरण है। अनवीकरण संसाधन में वे संसाधन है जिनका भंडारण में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः स्थापित नहीं होता है। कोयला और पेट्रोल प्राकृतिक गैस इसमें उदाहरण है। तो अनवीकरण संसाधन में आपको जो जल्दी से उत्पन्न नहीं किए जा सकते उनको बनने में हजारों साल लगते हैं, अनवीकरण संसाधन कहलाते हैं। कह रहा है प्रक्रिया का क्रम क्या होगा अगर आप पृथ्वी की सतह से शैलों के खनिजों के बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम क्या होगा जब उसकी सतह से आंतरिक, यहां पृथ्वी है और पृथ्वी की यह सतह है और सतह से अंदर आंतरिक भाग में जाते हैं तो क्या होता है कि पेट्रोल निकालना है तो उसका क्रम पूछ रहा है। अगर हमें यहां से पेट्रोल निकालना है तो हम किस का उपयोग करेंगे, एक है विवृत खनन, कुपित खनन, आख, ठीक है, आखनन वो होता है जो पृथ्वी की परपटी पर होता है।
भू प्रॉपर्टी पर होने वाले को आखनन कहते हैं। ठीक है, विवृत जो होता है यह आखनन के नीचे होता है और कूपित विधि से ही हम पेट्रोल निकालते हैं। पेट्रोल के बड़े बड़े कुएं होते हैं और उसी से हम पेट्रोल निकाला जाता है, तो सतह पर जो होगा वो कहलाएगा आखनन, और जो बीच में से होगा उसका नाम है विवृत खनन, और जो कुएं के होंगे उसे कहेंगे हम कूपित खनन। कूपित मतलब कुआं, कुएं टाइप का खनते हैं। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी सी ए बी। सी ए बी का मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही मिलेगा आपको, जो ऑप्शन मिलेगा सी ए और बी। इसी विधि द्वारा हम कूपों का खनन करते हैं। कथनों पर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये भारी वर्षा, स्थानांतरित कृषि, इसे कहते हैं शिफ्टिंग खेती, स्थानांतरित खेती, शिफ्टिंग एग्रीकल्चरल की दिया है, स्थानांतरित कृषि के बारे में कहना। ये भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं, सही बात है। यह तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में प्रचलित होते हैं, ठीक है, और इसमें कर्तन और दहन के नाम से जानते हैं, यह भी सही बात है। ब्राजील में इसे कर्तन और दहन के नाम से, ब्राजील में अमेजन बेसिन में इसे कर्तन और दहन के नाम से जानते हैं। तो इसका जो आपको सही है यहां पर एक दो, और यह तीव्र पुनर्जन्म रिग्रेशन हो जाता है, ठीक है, तो ये तीव्र गति से पुनर्जनन ये गलत होगा। ए और सी आएगा ऑप्शन, ए और सी का मतलब देखिए यहां पे सी ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सी होगा, ए और सी। कर्तन और दहन को हम लोग झूमिंग खेती के नाम से जानते हैं, ये झूमिंग खेती है, इसे हम झूमिंग खेती के नाम से जाते हैं, और यह भारत के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में होता है। भारत के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में झूमिंग खेती होता है। जरा इसके बारे में कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं हम लोग यहां पे। स्थानांतरित किसी के संदर्भ में कथन सही है, यह भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं, यह तीव्र प्रजनन वाले क्षेत्रों में प्रचलित होते हैं। इन कृषि प्रणाली को कर्तन और दहन के नाम से जाना जाता है। यह किसी अमेजन बेसिन के संघनन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वोत्तर भाग में पाया जाता है। इनका पुनर्जनन हो जाता है, देखो यहां पर दिया हुआ है पुनर्जनित हो जाते हैं। इसका मतलब है जो आपका ये ऑप्शन है, फिर से इसे सुधार लेंगे, ये भी पाया जाता है। इसका ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। इसका ऑप्शन फिर से आप सुधार लेंगे, देखिए ए बी सी दिया हुआ है, जो अभी इसको आपको बताए थे ए और बी उसको जरा सुधार लेंगे, और सुधारने के बाद इसका ऑप्शन ए बी और सी तीनों ऑप्शन सही होगा, देख रहे हैं यहां पे। ठीक, क्यों सही होगा आपको यहां पे बता रहे हैं, तीनों सही होगा क्योंकि वह पुनर्जनित क्षेत्रों में भी प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, अगर आप प्रेरी और वेल्ड जाते हैं, देखो प्रेरी कहां है, यह अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर यहां पे वेल्ड है, प्रेरी है। प्रेरी घास का मैदान है, प्रेरी और वेल्ड दोनों घास के मैदान है, यहां पे लिखते हैं प्रेरी और वेल्ड दोनों घास के मैदान है। प्रेरी और वेल्ड दोनों घास के मैदान है, दोनों घास के मैदान है। प्रेरी और वेल्ड जो है दोनों घास के मैदान है। प्रेरी बनेगा आपको उत्तरी अमेरिका और कनाडा, उत्तरी अमेरिका और कनाडा में पड़ेगा। वेल्ड पड़ेगा दक्षिण अफ्रीका में। ये दोनों घास के मैदान है, लेकिन प्रेरी को गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है विश्व में,
इसीलिए इसे धान्या गार भी कहते हैं। इसे पेरिज को धान्यागार कहते हैं क्योंकि यह पेरिज को धान्यागार भी कहते हैं क्योंकि यह गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। इसी वेल्ड में सोने और हीरे की खाने होती हैं। जोहान्सबर्ग इसी में है। तो इस तरह से ये दोनों घास के मैदान है जो आपसे पूछ रहे हैं। तो पहला देखिए, ये पड़ेगा कहां? प्रेरी जो पड़ेगा वो उत्तरी अमेरिका और कनाडा में पड़ेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में वेल्ड नहीं है, वेल्ड जो है अफ्रीका में है और ये है उत्तरी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका की बात नहीं करेगा, कनाडा सही है। अमेजन बेसिन और अफ्रीका, देखिए यहां दिया कनाडा और दक्षिण अफ्रीका, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा डी ऑप्शन सही होगा, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका। कनाडा और दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है प्रेरीज और वेल्ड, दोनों में जो है घास के मैदान है। देखो यहां पर दिया है, अगर आप कक्षा में प्रेरी और वेल्ड पर परिचर्चा करा रहे हैं तो आप विश्व मानचित्र पर क्रमशः कनाडा और दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में अंतरित करेंगे। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ये दोनों जो है कैसे घास के मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। यह 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्यवर्ती भाग में पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण इस मैदान का विस्तार कहीं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। इन घास के मैदानों को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्रेरी, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, यूरेशिया में स्टेपिज, ऑस्ट्रेलिया में डांस के नाम से जाने जाते हैं। जो शीतोष्ण घास के मैदान है, आपके कई फैक्ट मिल गए। उत्तरी प्रेरी जो पाया जाता है अर्जेंटीना में, उरुग्वे, ब्राजील में इसे पंपास के नाम से जानते हैं और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड के नाम से जाते हैं, यूरेशिया माने एशिया में स्टेपीज के नाम से जानते हैं और ऑस्ट्रेलिया में डांस के नाम से, डाउंस के नाम से जानते हैं। ये सारे जो है शीतोष्ण घास के मैदान हैं। इस तरह से हम लोगों ने जो है पढ़ा और कुछ क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कशन करा जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए आप जुड़े रहिए। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद। Thank you.